और अब खबर बैतूल से, जहां पे सोहागपुर गांव से स्कूल जा रही दो छात्राओं की किडनैपिंग की कोशिश से हड़कंप मच गया है। ये दोनों छात्राएं बैतूल बाजार में अपने स्कूल जा रही थी और इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें लिफ्ट देने के बहाने बुलाया और बाइक में बिठा लिया। इसके बाद आरोपी ने छात्राओं पर कोई स्प्रे किया जिससे छात्राएं बेहोश होने लगी, लेकिन खतरा को भांपते हुए दोनों छात्राएं बाइक से कूद गई। घायल छात्राओं को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचा जहां पर उनका उपचार जारी है। उधर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। सूचना मिली कि दो बच्चियां अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, जिसको बैतूल बाजार के पास जो हाईवे पड़ता है वहां पे एक व्यक्ति ने रोका और बाइक में बैठाने की कोशिश की। इनका ये कहना है कि जैसे इन्होंने रोका और बाइक में बैठाया तो हम लोग थोड़ा सा ड्राउजी टाइप का फील करने लगे और फिर ये बाइक में आगे लेके आया तो डर के मारे ये लोग कूद गए जिससे इनको चोटें लग गई। ऐसा वो बता रही है पर उन्होंने देखा नहीं है, पर ये बोल रही है कि जैसे ही वो बाइक में बैठे तो उनको नशा जैसा फील हुआ और उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती है, इसके लिए वो बाइक से कूद गए। अब जैसा बच्चों ने बताया है उनके बयान के आधार पर जो भी व्यक्ति है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अकील अहमद ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अकील, दिन दहाड़े छात्राओं की किडनैपिंग की कोशिश की गई है लेकिन यहाँ पे छात्राओं ने खतरा को भांपते हुए वो किसी तरीके से बाइक से उतर गई। फिलहाल ये बताइए जरा क्या स्थिति है छात्राओं की। जी, वैसे दोनों जो छात्राएं हैं वो उनको हल्की चोटें आई थी और उनका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। खतरे की वैसे कोई बात नहीं है और इधर जो है पुलिस ने जो जिस तरीके का हुलिया उन छात्राओं ने पुलिस को बताया उसके आधार पे और एक जो टोल है मिलानपुर टोल प्लाजा है वहां के सीसीटीवी के फुटेज भी पुलिस खंगालने में लगी हुई है और तीन अलग अलग टीमें बनाई गई हैं फिलहाल उसमें और वो ये तीनों टीमें उस अज्ञात जो मोटरसाइकिल चालक है उसको उसकी पतारसी में लगी हुई है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई बहुत महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा है। और दूसरा एक चीज और मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी बैतूल में ये हालात जो है एकदम से बढ़े हैं, क्राइम का ग्राफ बैतूल में लगातार बढ़ा है। अभी पिछले दिनों चाकूबाजी का मामला परसों के दिन का था और आज ये फिर एक घटना हो गई जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अचानक क्राइम बढ़ने से। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर दिन दहाड़े इस तरीके से स्कूली छात्राओं की किडनैपिंग की कोशिश की जाएंगी, अपराध का ग्राफ जैसे बढ़ रहा है, ऐसे में तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे ही। अकेले ये बताइए जरा कब की ये घटना है? ये घटना सुबह 10:45 की है और नजदीकी गांव जो सोहागपुर है वहां से ये बैतूल बाजार लगभग 10 किलोमीटर पर डे ये छात्राएं स्कूल आती हैं और हर दिन ये वैसे जो है बस से सफर करती है लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लिफ्ट लेकर स्कूल आ रही थी और तभी अज्ञात युवक ने कोई किसी नशीले पदार्थ का उन पे स्प्रे किया जिससे वो नीम बेहोशी में आ गई और जब उनको लगा कि ये नहीं रुक रहा है तब उन्होंने अचानक जो है मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी जिसमें उनको मामूली चोटें आई हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।